चिमूर वरोरा राष्ट्रीय महामार्ग पर चल रहे निर्माण कार्य से किस तरह नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, देखते हैं सीटीवी न्यूज प्रतिनिधि बालू सातपुते की इस खबर में। वरोरा इस मुख्य रास्ते के चौपदरीकरण का निर्माण कार्य पिछले कुछ वर्षों से शुरू है, इसलिए चिमूर वरोरा मार्ग पूरी तरह से खोदा गया है, लेकिन पर्यायी रास्ते पर मिट्टी डालने से गिट्टी बिखरी हुई है। इस मार्ग से वाहन चलाना खतरनाक साबित हो रहा है। चिमूर को जोड़ने वाला उमरेड वरोरा इस राष्ट्रीय महामार्ग का काम ठेकेदार की ओर से शुरू है, लेकिन इस रास्ते का काम शुरू होने से चिमूर वरोरा यह रास्ता खोद कर रखा हुआ है। ठेकेदार ने पर्यायी रास्ता तैयार किया है। इस पर्यायी रास्ते पर मिट्टी और मुरुम डाला गया है। ऐसे में बरसात के दिन होने से इस रास्ते पर कीचड़ होने के कारण ट्रक फंसने की घटना आज सामने आई। इस पर उपाय के तौर पर ठेकेदार ने इस रास्ते पर मिट्टी डाली है, लेकिन उस पर रोड रोलर नहीं चलाया। रास्ते से वाहन गुजरने के कारण मिट्टी चारों ओर बिखरी है। वाहन चालकों को यहां से जान हथेली पर लेकर गुजरना पड़ रहा है। उमरेड चिमूर इस वरोरा मार्ग का चौपदरीकरण पूरा होने और भी समय लगेगा। रास्ते से बड़े पैमाने पर वाहन दौड़ते हैं, लेकिन रास्ता योग्य न होने से बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय सीटीवी प्रतिनिधि बालू सातपुते यहां मौजूद थे। उन्होंने चिमूर वरोरा राष्ट्रीय महामार्ग की हालत किस तरह से दयनीय हुई यह बयां करते हुए इस पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। अपन आहोत चिमूर वरोरा या राष्ट्रीय महामार्ग और E353 या हा क्रमांक राज्य मार्ग असून जवळपास 7 ते 7 वर्षापासून या रोडचे काम सुरू असून KCC कन्स्ट्रक्शन कंपनी या रोडचं काम करीत आहे। आणि आपण बघत आहात की या ठिकाणी हा पूर्ण कच्चा रोड या ठिकाणी बनवून ठेवलेला आहे, राष्ट्रीय महामार्ग असून सुद्धा। आणि या ठिकाणी हा MH12 क्रमांकाचा ट्रक या रोडच्या कन्स्ट्रक्शनमुळे या ठिकाणी फसलेला आहे। इस रास्ते की दयनीय हालत से किस तरह से परेशानी हो रही है, इस पर सीटीवी प्रतिनिधि बालू सातपुते ने इस रास्ते से गुजरने वाली बस में सवार यात्रियों से उनकी प्रतिक्रिया जानी। रोड बदल क्या तकरार है तुमची? 7 वर्षापासून रोड चालू आहे ना, रोड वर काही अपघात? अपघात झाले आहे। इतना ही नहीं तो इस रास्ते से गुजरते समय एक चालक का ट्रक भी यहाँ फंसा। इस पर उसने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीटीवी न्यूज प्रतिनिधि बालू सातपुते से क्या कहा, आइए सुनते हैं। उड़ीसावरून आले कुठे चालले इकडे? वरोरा। नेहमी जाता का या रोड? हो नेहमी जातो। का त्रास झाला तुम्हाला? गाडी फसून बसली की आमची गाडी। कधी फसून फसली गाडी? आता सकाळी। हा नेहमीचा त्रास आहे? हा नेहमीच त्रास। साथ ही इस समय इस रास्ते से गुजरने वाले दुपहिया सवार से भी सीटीवी न्यूज प्रतिनिधि बालू सातपुते ने उनकी प्रतिक्रिया जानी। बेमडा कुठे चालले? शेगावला। या रोडचा काही त्रास आहे का तुम्हाला? बहुत त्रास आहे। कधीपासून त्रास आहे? आता जे उघडले तेव्हापासून। नेमका का त्रास आहे? हे रस्त्याचं गड्डे आहे रस्त्याला। रस्ता झाला नाही क्लिअर। काही अपघात वगैरे झाले काय रोडला? हो झाले ना, भरपूर झाले। हो इतना ही नहीं तो यहां से गुजरने वाले वाहन चालक ने भी इस रास्ते की दयनीय हालत बताते हुए सीटीवी न्यूज प्रतिनिधि बालू सातपुते की ओर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। चिमूर वरून वरोरा काही त्रास या रोड बद्दल? त्रास भयंकर त्रास आहे। का त्रास नाही म्हणता, भयंकर त्रास आहे। किती वर्षापासून प्रवास करता या रोडला? आम्ही बहुतेक आता 2019 पासून प्रवास करत असावं, पण जेव्हापासून रस्ता खोदला तेव्हापासून खूपच त्रास आहे या रोडला। जाता येतानी एवढा त्रास येतो का घरी जाऊन झोपावं वाटते, एवढा भयंकर त्रास आहे। सीटीव्ही के लिए प्रतिनिधि बालू सातपुते की एक विशेष रिपोर्ट।